और टाइटन को इसका इम्पैक्ट भी मिलता है। आज आप देखें अभी पिछले कुछ मिनटों में बाइंग आ रही है और लगातार आपको इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं, अब आपको लार्ज कैप बैंक्स में भी बाइंग देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा जैसे बैंक अब प्लस प्लस में नजर आए हैं। बैंक निफ्टी में इंडेक्स पर जो आपको गिरावट दिख, थोड़ा सा प्रेशर जो दिख रहा था वो ईज आउट होता हुआ जरूर दिख रहा है। कुछ चलिए टाइटन को भी एक बार डिस्कस करते हैं। आप क्या लेवल्स देख रहे हैं इन पर, इस स्टॉक पर, अगर यहाँ से आप एंट्री करें तो? ज्यादा गेंस नहीं गए हैं उस दिन से? जी प्रियंका, देखिए सबसे पहले तो थैंक यू फॉर यू नो रिकग्नाइजिंग दिस, हाईलाइटिंग दिस। यू नो टाइटन पे एक्चुअली मैंने बैक टू बैक कॉल्स दिए थे। पहला यू नो 2525 का टारगेट था और दूसरा टारगेट 2550 का था। दोनों ही टारगेट्स मीट हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोमेंटम थमा नहीं है, क्योंकि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम एक्शन में भी हमने हल्का सा अपटिक देखा है, बट दैट सजेस्ट कि यू नो जो मूव है ये डिलीवरी वॉल्यूम बैक्ड है। यहाँ पे मेरे हिसाब से यू नो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक यू नो 2600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें अभी भी बने रहें। अगर आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन ली हुई है तो 25 के जो लेवल्स हैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएं। फ्रेश पोजीशन के लिए भी 2525 का जो लेवल है ये आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा और 2600 जो है ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा। तो टाइटन में बिल्कुल यू नो बने रहिए। ऑल राइट, टाइटन में बने रहे। लेकिन आज जिस स्पेस से लग रहा था कि मेटल में आपको आज भी बाइंग देखने को मिलेगी, अभी शुरुआती 15-20 मिनट में तो उस तरह की बाइंग नहीं दिख रही है। इनफैक्ट बाजार जो आज सेक्टर्स का चयन कर रहा है उसमें आपको ऑटो भी दिख रहा है, आगे ऑटो सेल्स नंबर्स आने हैं मंथ एंड पर, और साथ ही आपको कुछ सिलेक्टिव स्पेसेस, कैपिटल गुड्स हो, फार्मा हो, FMCG हो, तो बहुत ही मिक्सड पूल ऑफ मिक्स सेट ऑफ स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। हालांकि जिंदल स्टील जैसे काउंटर, हिंडालको जैसे काउंटर अब भी तेज है, लेकिन उस तरह की पार्टिसिपेशन अभी इनिशियली आपको दिखती नहीं दिख रही है। लेकिन क्या बेट्स इस वक्त ऑटो स्पेस पर भी देखनी चाहिए? मारुति के स्टॉक को थोड़ी सी ये रेजिलिएंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या मारुति पे आप बेट करेंगे किरण, या फिर ऑटो पैक से आपको एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स पसंद आएंगे? सो डेफिनेटली मारुति के ऊपर हम लॉन्ग करना पसंद करेंगे। रीजन बीइंग हमने देखा था कि 8300 जाने से, मतलब 8300 जो एक है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियस टाइम में हमने देखा था कि 8000 से 8300 ये क्लस्टर रेजिस्टेंस था स्टॉक ने। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया हमने ऊपर में 9700 तक की एक रैली देखी थी, और रिसेंटली 9700 एक फॉलिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब रिसेंटली जो एक फॉल आया है, स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकल रहा है, और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इसी लेवल के आसपास मोमेंटम इंडिकेटर जब था स्टॉक में एक अच्छा खासा बॉटम बना था एट द रेट ऑफ 67-6800। सो सेम फैक्टर यहाँ पे भी अभी प्ले आउट हो रहा है। तो मारुति लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अगर कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एज अ ट्रेडर अगर आप सोच रहे हो तो नीचे में 80-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें लॉन्ग कीजिए। ऊपर में एटलीस्ट हम 85-8600 की अपसाइड देख सकते हैं। सो ऑटो में अगर किसी को प्ले आउट करना है तो मारुति वुड बी द बेस्ट चॉइस, और अगर टू व्हीलर स्पेस में किसी को प्ले आउट करना है तो बजाज ऑटो। बजाज ऑटो हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, एट रेट ऑफ 3500 वहां से अभी 3560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एवरीडे मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर में भी काफी अच्छा बेस बनाया है। तो 3500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो भी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में 3700 तक के टारगेट्स हम देख रहे हैं।